जय गुरु जी, गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की आई हुई संगत को प्रणाम। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरु जी ने आज सत्संग करने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज आपका। गुरु जी के बारे में मैं क्या बोलूं, गुरु जी तो साक्षात शिव है, महाशिव है, उससे भी ऊपर अगर कोई भगवान है इस सृष्टि में तो वो हमारे गुरु महाराज हैं। गुरु महाराज के पास हमारा आना 2003 में हुआ। मेरी सिस्टर है उषा भाटी आंटी, वो गुरुजी के पास आती थी तो वो हमें गुरुजी के बारे में बताती थी कि ऐसे ऐसे गुरुजी है, हम वहां जाना शुरू हुए हैं और तुम लोग भी चलो। तो संगत जी आप विश्वास कीजिए कि मैं उसको कहती थी कि भाई इतने एजुकेटेड हो और ये कहाँ किस चक्कर में पड़ गए हो, आज के उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो वी जस्ट लाफिंग, मैं और मेरे हस्बैंड और गुरु महाराज इस चीज के लिए हमें माफ करें, लेकिन वो मतलब गुरुजी के बारे में हमें बताती रहती थी और कभी भी उनका फोन आना तो भी उन्होंने बताना और जब हम मिलते थे तो भी गुरुजी के बारे में बात होती थी। तो वो उसकी बातें सुन के मेरा बड़ा बेटा गुरुजी के पास जाना स्टार्ट हुआ। उस समय हम लोग दिल्ली में रहते थे, अब गुड़गांव शिफ्ट हो गए हैं। तो वो दिल्ली से सिस्टर के पास गुड़गांव आता था और उससे उनके साथ वो एम्पायर स्टेट जाता था। और वो बच्चा भी मुझे आके कहता था कि मम्मी आप प्लीज एक बार चल के देखो, वहां बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शांति है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं उसको हमेशा ये कहती थी कि जब पापा मानेंगे मैं तब चलूंगी, क्योंकि लेट नाइट होता है और ऐसे अच्छा नहीं लगता। संगत जी वो बच्चा भी कहता रहा, लेकिन बस जब तक गुरुजी का बुलावा नहीं था तो वो बच्चा जाता रहा। मेरी एक बड़ी सिस्टर है, वो भी गुरुजी के पास, उनको भाटे आंटी लेके गई और उनके हस्बैंड को भी लेके गई। तो एक दिन मैंने उनसे पूछा कि वहां पर है क्या, तो मेरे जीजा जी ने मुझे बताया, मैं भी शायद वो किसी फंक्शन में गए थे तो उस समय बड़े मंदिर में बाहर ब्लैक कलर से लिखा हुआ ओम नमः शिवाय शिव की सदा सहाय, ब्लैक वो होते थे उनमें रेड कलर से लिखा होता था। तो उन्होंने ये मुझे बताया कि ये वहां पर लिखा रहता है और बहुत ही सुंदर मंदिर है, एक यूनिक टेम्पल इन द वर्ल्ड। तो गुरु महाराज की मेहर ऐसी हुई कि मेरे अंदर वे मंत्र जाप जो है वो गुरुजी ने इतना बिठा दिया कि मैंने कहा कि ओम नमः शिवाय, तो ये हम सुनते ही आते हैं और ये जो शिवजी सदा सहाय इसका मीनिंग बहुत अच्छा है। और गुरु महाराज की मेहर ऐसी हुई कि मेरे अंदर वो जाप उठते बैठते सोते जाते अपने आप से ही चलता रहा। फिर एक दिन ऐसा आया कि बेटे को एम्पायर स्टेट से गुरु महाराज का स्वरूप मिला, स्वरूप हम लोग आज कहते हैं, उस समय तो हम फोटो बोलते थे। तो उस बच्चे ने आके मेरे हाथ में दिया कि मम्मी ये देखो आज ना मुझे मंदिर से ये गुरुजी का मिला है। तो संगत जी मुझे बिल्कुल भी तब भी कोई इंटरेस्ट नहीं आया, कोई समझ में नहीं आई कि गुरुजी मुझे बुला रहे हैं, ये गुरुजी का बुलावा है, गुरुजी खुद घर में आए हैं। मैंने उसको बोला कि कोई बात नहीं है, तो मैंने मासी के घर देखे हुए हैं, आप इसको अलमारी में रख दो। मुझे बिल्कुल भी इस चीज की नहीं कोई समझ में आई कि ये गुरु महाराज साक्षात ईश्वर हैं, घर में आए हैं, हमें इनको अच्छे से रखना है, कुछ भी मेरे दिमाग में चीज नहीं आई। तो उस बच्चे ने रख दी अलमारी में। ऐसे थोड़ा टाइम और बीत गया लेकिन वो बच्चा जाता रहा। एक दिन मेरी सिस्टर की बेटी का बर्थडे था, भाटिया आंटी की बेटी का बर्थडे था, तो हमने उसको सुबह विश करने के लिए फोन किया। तो कहने लगी मेरी सिस्टर कि आ जाओ डिनर साथ में ही करेंगे। मैंने कहा ठीक है हम लोग शाम को आते हैं। जब हम शाम को गुड़गांव गए तो हमने देखा कि वो तो मंदिर जाने के लिए तैयार है। तो हमने उनको बोला कि भाई तुमको पता है हम तो जाते नहीं, भी या तो हमें बुलाने ही नहीं था। तो कहते नहीं नहीं पहले मंदिर चलेंगे ना, फिर ऑन द वे कहीं डिनर करेंगे। अब ये एक ऐसी मजबूरी हो गई कि किसी के घर हम गए हुए हैं और उनके बेटी का बर्थडे है और वो मंदिर जा रहे हैं और हम अपने घर वापस आ जाएं तो ये भी नहीं अच्छा लगता। तो गुरुजी ने ऐसे खींच के मुझे वहां मंदिर में बुलाया।
उस दिन वह बड़े मंदिर गए। बड़े मंदिर में वहां पर सिंगला अंकल मिले, कक्कड़ अंकल मिले, उन्होंने वहां सत्संग किया और हमें बहुत ही अच्छा लगा। ये तो बहुत ही अच्छी जगह है, हमने वहां मंदिर में दर्शन करे। उसके बाद बस 10-12 दिन बाद हम गुरुजी के सामने थे एम्पायर स्टेट में, और गुरुजी ने ऐसे खींच के मुझे बुलाया। और गुरुजी ने एक दिन मेरे को बोला भी था कि तैनू से मैं खींच के अपने को ले आया, तू मेरे को लांदी नहीं थी। ये भी एक प्रसंग है। तो गुरु महाराज की मेहर, गुरु महाराज की रहमत, गुरु महाराज की कृपा कि उन्होंने ऐसे हमें अपने दरबार में बुलाया। संगत जी, किसी में भी इतनी हिम्मत, इतनी पावर, इतनी औकात किसी इंसान की नहीं है कि वो भगवान के दर्शन कर सके, जब तक भगवान खुद ना चाहे, जब तक गुरु जी खुद ना चाहें आप उनके दर्शन नहीं कर सकते। तो इसमें हमारी कोई भी वडियाई नहीं, कोई भी, ये सब गुरु महाराज की मेहर है, ये सब उनकी रहमत है, उनकी कृपा है कि उन्होंने अपने दर्शन हमें, हम जैसे लोगों को दिए। हम गुरु जी के दरबार में गए, संगत जी विश्वास कीजिए, इतना ब्यूटीफुल गुरु जी का दरबार, इतनी शांति, इतना डिसिप्लिन, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और गुरु जी ने बातें करी, बहुत ही अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मैं उस दिन मैंने अपने मन में सोचा कि अगर मैं दिल्ली वापस चली गई तो मेरे अंकल तो मुझे कल लेके आएंगे नहीं, मुझे तो यहाँ कल भी आना है, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगा वहां पर। तो हमने ये डिसाइड किया कि आज की रात हम सिस्टर के यहाँ ही रुकते हैं और संडे को फिर गुरु जी के दर्शन करते, और संडे को हम फिर गुरु जी के पास गए। अब संगत ने एम्पायर स्टेट देखा हुआ है, जैसे गुरु महाराज अपने सिंहासन पर बैठते थे और जाने के टाइम सब आज्ञा लेते थे, तो हमने भी आज्ञा गुरुजी से ली। मेरे से पहले मेरे अंकल थे, वो जाके पीछे खड़े हो गए आज्ञा लेके, और मैंने गुरुजी से आज्ञा ली। और जैसे ही मैंने आज्ञा लेके बैक करी तो गुरुजी ने मुझे आवाज लगाई, कहने लगे शबनम आंटी इतने आ। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कहते तेरा प्लॉट हैगा गुड़गांव विच। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, सेक्टर 31 विच हैगा। संगत जी आप विश्वास कीजिए, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि कौन से सेक्टर में, क्योंकि हमने 5-6 साल पहले जस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट ये प्लॉट लेके रखा था गुड़गांव में, हमारा दिल्ली में अपना घर था, तो बस ये लेके रखा हुआ था। मुझे कोई एड्रेस नहीं पता था कौन सा सेक्टर है, मुझे नहीं पता था। मैं इमीजिएटली अपने अंकल के पास जाती हूँ और उनसे कंफर्म करती हूँ कि हमारा प्लॉट 31 सेक्टर में है। अंकल कहते हैं हाँ 31 सेक्टर में है। और मैं इतनी बेवकूफ कि गुरु महाराज सब कुछ जानते हैं, वो तो अंतर्यामी है। और गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं, बहुत ही प्यारी मुस्कान गुरुजी की, और मैं उनको कह रही हूँ हाँ जी गुरुजी 31 सेक्टर नहीं है। गुरुजी कहने जा तेनू ब्लेस किया तू कोठी बनवा। अब गुरुजी ने ब्लेस कर दिया और एम्पायर स्टेट से बाहर तक आते हुए एक रोड है लंबी, सारे रास्ते मेरे दिमाग में यही घूमता रहा कि गुरुजी ने बोला है, अब मेरे अंकल इस चीज को कैसे लें, क्या वो पॉजिटिव होंगे। लेकिन अंगद जी जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं वो किसी को भी पॉजिटिव कर देती हैं। अगर गुरुजी ने कुछ करवाना होता है वो खुद ही करवा लेते हैं। जैसे ही मैंने आके बाहर बात करी कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने मुझे बोला है, अंकल भी बिल्कुल पॉजिटिव, हाँ हाँ घर बनवाएंगे क्यों नहीं बनवाएंगे। और मेरी सिस्टर तो बहुत ही खुश हुई कि तो बहुत गुरुजी ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है। तो और गुरुजी ने मुझे कोई टाइम पीरियड भी दिया था कि इसके पहले पहले ही शुरू करवाना। और संगत जी तब तो हमें कुछ भी चीजें समझ नहीं आती थी, अभी मेरा वैसे भी सेकेंड ही डे था और हमें कुछ समझ नहीं थी। उस दिन जब हम लोग अपनी गाड़ी में बैठे और हमने दिल्ली आना था, तो हमारे आगे आगे गुरुजी की कार और गुरुजी उस गाड़ी में बैठे, और इतनी दूर तक गुरुजी हमारे साथ चले, आगे आगे गुरुजी, पीछे पीछे हमारी गाड़ी। और जब हमारा वहां से टर्न लेने का वो आया, विद इन सेकेंड्स गुरुजी और गुरुजी की गाड़ी कहाँ गई हमें पता ही नहीं चला। मतलब हमने अपनी आंख की पलक भी नहीं झपकी होगी और वो गाड़ी एकदम
गायब हो गई। और जब हमने सिस्टर को बताया तो कहते कि ये तो गुरुजी ने बहुत ही ब्लेसिंग करी है, ये तो गुरुजी ने तुम्हें लॉर्ड भग ब्लेस करके दिया है। अब संगत जी हमें तो ये सब चीजें कुछ भी नहीं पता थी, गुरुजी की ब्लेसिंग गुरुजी किस रूप में देते हैं ये सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं। हम तो सिर्फ और सिर्फ उनका शुक्राना कर सकते हैं। और गुरुजी की आज्ञा से ही हमने वो घर बनवाना शुरू किया और उससे पहले भूमि पूजन किया। तो उससे एक दिन पहले हम एम्पायर स्टेट में थे तो मैंने अपने जीजा जी से कहा, भाटिया आंटी के हस्बैंड से, कि जीजा जी आप ना गुरुजी को बोलो कि कल हमारा भूमि पूजन है। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि नहीं, अपनी बात खुद करो। तो अब गुरुजी से बात करने की हिम्मत भी नहीं होती थी, तो लेकिन जैसे तैसे मैं गुरुजी के जब आज्ञा लेने लगी तो मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी कल। तो गुरुजी ने कहा मैंने सब पता, ही नोज एवरीथिंग। मतलब कि मैं आपको क्या बताऊं गुरु महाराज के बारे में, हम तो कुछ बताने लायक ही नहीं है। तो भूमि पूजन हुआ और घर बनना शुरू हुआ। गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग करी, बहुत ब्लेसिंग करी और बहुत मिरेकल्स दिखाए घर बनते हुए। अब एक चीज यहाँ पर ये आती है कि गुरुजी के यहाँ है कि गुरुजी से मांगो नहीं, उनको मानो। अब जैसे जैसे हमारा घर बनता जाता था मेरे दिमाग में यही बात कि गुरुजी आप मुझे वहां इतने दूर भेज दोगे, मेरा तो वहां दिल ही नहीं लगेगा, मेरी तो यहाँ पर फ्रेंड्स हैं, मेरी किटीज चलती हैं, मेरी कार्ड्स होते हैं, वहां तो मैं अकेली बिल्कुल बोर हो जाऊंगी, मैं क्या करूंगी गुरुजी वहां पर। अब संगत जी मैंने कभी गुरुजी से डायरेक्टली ये बात नहीं करी, लेकिन मैं अपने मन में ही प्रेयर करती थी, सोचती थी इस चीज को। और ऐसे सर्कमस्टांसेस गुरुजी ने बनाए कि हम लोग 2018 में गुड़गांव शिफ्ट हुए। उससे पहले ये दोनों फ्लोर हमारी ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर रेंट पे ही चलती रही। और इतनी गुरु महाराज की कृपा रही इस घर में कि जितने भी हमारे टेनेंट्स आते थे सब बहुत खुश रहते थे। और मैं देखती थी कि बहुत छोटी छोटी एज के भी बच्चे आते हैं, क्योंकि आसपास आई कंपनीज हैं और विद इन वन ईयर अपने अपने घरों में जाते हैं, अपनी अपनी कोठियों में जाते हैं, मोटरसाइकिल्स पे आते हैं और बाद में बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। ये सब गुरु महाराज की मेहर है, गुरु जी ने किसको कैसे ब्लेस करना है। 2018 में फिर मैं गुरु जी से बहुत रिक्वेस्ट करके, बहुत प्रेयर करके, गुरु जी अब मुझे उस तक में जाना ही, और हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए। इसके बाद जो इसी में ही एक प्रसंग घर के इसमें ही आता है कि जब हम लोगों ने ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई तो हम लोगों के यहाँ एक हमने चौकीदार रखा, वो हस्बैंड वाइफ थे और उनका एक बेटा था, वो यहीं पर ही रहते थे घर के अंदर ही, और कंस्ट्रक्शन वगैरह का जैसे भी चौकीदारी का काम होता है वो देखते थे कि भाई कुछ चाहिए कुछ है, जो भी निगरानी करते थे। तो उस समय पे उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो उस समय उसको कुछ भी गुरुजी के बारे में नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था, ना कभी हमने बताया था और ना ही उसको कभी पता था। ये तो उसने ये सत्संग जब मैं यहाँ पर शिफ्ट हुई तो उसने मुझे सुनाया अपना, और मैं सुन के हैरान हो गई कि गुरु महाराज आप कैसे कैसे चेक करते हो। वो मुझे बताती है कि आंटी मैं प्रेग्नेंट थी, एक दिन हम लोगों की फैमिली में किसी की डेथ हो गई, मेरी मम्मी भी आई हुई थी और मेरा हस्बैंड, उन दोनों को जाना पड़ा। तो उन्होंने मुझे पूछा कि तुम ठीक हो, कहा हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी कोई ऐसी बात नहीं है, तुम लोग जाओ। कहती है उनके जाते ही मुझे लेबर पेन शुरू हो गए और मैं एक जगह से जैसे दूसरी जगह जा रही है। अब जहां पर मैंने हम लोगों ने गुरु महाराज का दरबार लगाया है बिल्कुल उसी जगह पे, कहती है कि मैं पहुंची तो बेबी नीचे गिर गया। कहती बेबी नीचे गिर गया, घर में कोई भी नहीं, और मैं इतना घबरा गई कि मैं अकेली हूं, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। तो कहती है कि आंटी ये जो आपका मेन डोर है इसमें कोई आए, मैं नहीं पहचानती वो कौन थे, उन्होंने वाइट कपड़े पहने हुए और दीवार पे हाथ रख के कहते हैं कुछ नहीं हुआ,
मैं सब ठीक कर दांगा, बच्चे नु चुप सब ठीक हो जाना। बतिया आंटी वो ऐसे बोले और मुझे कुछ नहीं समझ में आई, लेकिन उस आवाज को सुन के और उनको देख के, वो कौन थे मुझे नहीं पता, और मुझे इतनी हिम्मत आई कि मैंने उस बच्चे को उठाया, उसे साफ किया, सब कुछ किया। और जब तक मेरे हस्बैंड और मेरी मदर वापस आए तो मैं पलंग पे आराम से सोई। तो अब वो कहती है कि आंटी ये तो गुरु जी थे। उस समय उसको कुछ नहीं पता कि ये साईं बाबा आए हैं, कौन आए हैं जो ऐसे बोल के गए हैं। तो ये गुरु महाराज की मेहर है। और संगत जी, वो बच्चा इतना इंटेलिजेंट है, इतना इंटेलिजेंट है वो बच्चा उसका, वो खुद हैरान होती है कि कहती है कि आंटी ये तो ना हमारी भाषा बोलता है, ना इसको हमारा खाना पीना अच्छा लगता है, ना इसको हमारा रहन सहन अच्छा लगता है। कहती है पता नहीं कहाँ से आया ये बच्चा, मुझे तो लगता है पता नहीं कहाँ से आया है। मैंने कहा गुरु जी की ब्लेसिंग है, और पब्लिक स्कूल में उसे पढ़ा रही है, और 95-96% वो बच्चा लाता है। तो ये गुरु जी ने कैसे उसको ब्लेस किया, इस बच्चे को और उस फैमिली को भी बहुत गुरु जी ने ब्लेस किया। वो मुझे बताती है कि आंटी जब हम आपके घर पे लगे थे, चौकीदारी करते थे, तो हमारे पास खाने को भी नहीं था। और आज संगत जी आप देखो, ये है चाहे सारी मैटेरियलिस्टिक चीजें हैं, लेकिन गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स हैं। आज उसके पास पलवल में उसका एक अपना घर है, सोना रोड पे उसका प्लॉट है, गाड़ी उसके पास है, और ये गुरु जी की ब्लेसिंग। कहती जैसे ही हम आपके घर में काम करते गए, हमारा तो बस गुरु जी है। कहती है मुझे तो अब समझ में आता है, पहले तो मुझे समझ नहीं आता था कि मतलब इतनी तरक्की हम कैसे करते चले जा। लेकिन वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं बहुत अच्छे और बहुत ही मेहनती है। मैं ये भी देखती हूँ, मैं उसको ये भी कहती हूँ कि तुम लोग भी बहुत मेहनत से काम करते हो, गुरु महाराज की तो ब्लेसिंग है ही है। तो वो तो बहुत गुरु जी को, अब जब से उसको पता चला है ऐसे ऐसे है, तो बहुत गुरु जी को मानने लगी है। बड़े मंदिर भी गुरु जी की कृपा से कभी कभी चले जाते हैं, वो लोग दर्शन कर लेते हैं। अब तो काफी टाइम से कोरोना करके हुआ नहीं, लेकिन पहले वो गुरु जी के बर्थडे पे भी, शिवरात्रि पे भी गई है, और बहुत गुरु जी को मानती है। तो गुरु जी की ये ब्लेसिंग्स हैं हर किसी के साथ होती हैं। वो कब किसको किस रूप में देते हैं ये गुरु महाराज जी जानते। संगत जी ऐसे ही गुरु जी के यहाँ जर्नी चलती रही। फिर हमें पता चला कि मंडे को बड़ा मंदिर गुरु जी का खुलता है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो हमने मंडे जो है मंदिर जाना शुरू किया। कैसे भी करके गुरु जी पहुँचा देते थे और कैसे भी करके वापस ले आते थे, ये गुरु जी की मेहर रही। ऐसे ही एक दिन हम लोग मंदिर गए हुए थे, उस समय ज्यादा रश नहीं मंदिर में होता था, 15-20 लोग आते जाते रहते थे। तो फिर थोड़े थोड़े हम लोगों ने सत्संग भी सुनने शुरू करे गुरु जी के बारे में, कि बड़े गुरु जी ने इस मंदिर में बहुत ब्लेसिंग करी हुई है। तो एक गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने दिखाया मुझे भी। एक दिन हम लोग बंडे को मंदिर में थे और रात के 7:30-8 हुए थे। तो जैसे मालिक काका वगैरह आते थे और कहते थे कि अब मंदिर बंद होने का टाइम है, आप लोग बाहर चलिए। तो ऐसे उस समय तो ऐसे होता था कि कोई कहाँ खड़ा है, कोई कहाँ खड़ा है, उनको मालिक काका बुला बुला के बाहर भेजते थे। तो हम लोग ऐसे आ रहे थे, तो जैसे होता है कि भाई चलो शिवलिंग है एक बार और माथा टेक लें। तो जैसे ही ऐसे माथा टेका तो सामने क्या देखा कि जो शिवलिंग पे जो नेत्र बना हुआ है उसके राइट हैंड साइड में बहुत बड़ी जोत जल। ये गुरु महाराज की कृपा से हमने दर्शन किए। वो क्या था कुछ समझ नहीं आ रहा था, इतनी ब्राइट इतनी सुंदर वो जोत थी कि उससे नजर ही नहीं हट रही थी। और वो कैसे थी ये कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मंदिर से तो वापस आना ही था। खूब माँ से जो हाथ जोड़े, खूब गुरु जी को थैंक यू, और वो दर्शन करके हम लोग वापस आए घर आए। उससे एक दिन पहले गुरु जी ने उसे शिवलिंग के ऊपर सप्त ऋषि के दर्शन कराए थे।
उस समय दो अंकल बड़े मंदिर में थे, उन्होंने उनके दर्शन किए और मंडे को गुरुजी ने ये जोत दिखाई। उसके बाद वो दोनों अंकल जब एम्पायर स्टेट में गुरुजी के पास गए, देन गुरुजी ने उनको बोला कि व्याख्या में की बताया। उन्होंने कहा हाँ गुरुजी, कल सप्तऋषि के दर्शन हुए थे और तो बहुत ही सुंदर जोत चल रही थी। तो गुरुजी ने उस दिन बोला कि ये मंदिर आने वाले टाइम में सबसे बड़ा पवित्र स्थान बन, और इसके बाहर से भी जो निकल जाएगा, जो कुछ इसके मन में होगा वो पूरा होगा। तो संगत जी, ये गुरु महाराज के वर्ड हैं। और आज हम देखते हैं कि इतनी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, इतनी संगत मंदिर में आती है, कई ऐसे हैं जो अंदर नहीं जा पाते। तो इसका ये मतलब नहीं है कि गुरु महाराज ने उन्हें प्रेस नहीं किया। गुरु जी के दरबार में आपकी हाजिरी लगी है, लेकिन आप अगर अंदर नहीं जा पाए तो भी आपकी हाजिरी गुरु जी के दरबार में लगी है, क्योंकि गुरु महाराज का वचन। संगत जी, इसके बाद एक सत्संग मैं अपनी फ्रेंड का सुनाती हूँ। हम लोग गुरु जी के दरबार में जाते थे तो मैं उसको भी बताती थी। वो दिल्ली में मेरे साथ होती थी, वॉक करते थे हम लोग इकट्ठे, तो वॉक करते हुए बातें होती थी। तो मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे सिस्टर जाती है, तो वो हमें भी लेके गई हैं। तो बहुत ही सुंदर गुरु जी का दरबार है, बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ पर। तो उसने कहा कि मुझे भी चलना है, मुझे भी चलना है। मैंने कहा चलो आपको भी लेके चलते हैं। तो गुरु महाराज की कृपा से उनको भी हम गुरु जी के मंदिर लेके गए। गुरु जी ने उनको भी बहुत ब्लेस किया और उनको बहुत अच्छा लगा, तो वो भी गुरु जी के दरबार में आने लगे। ऐसे 2003 में 31 दिसंबर को हम लोग एम्पायर स्टेट में थे, तो गुरुजी ने अचानक ही बोला कि चलो बड़े मंदिर चलिए। तो कुछ संगत को गुरुजी ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे, सबके लिए नहीं था। उसमें मेरी सिस्टर भी थी, तो उनको भी गुरुजी ने बोला। अब हम थोड़ा सा मायूस हो गए कि गुरुजी ने हमें नहीं बोला, लेकिन सिस्टर कहने लगी कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम भी चलो। अब वो हमारे साथ थे तो वो उनको भी साथ लेके गए, अपनी फ्रेंड को भी। तो वहाँ पर बड़े मंदिर में गुरुजी बैठ गए और संगत बैठ गई। फिर जब आज्ञा लेने का टाइम आया तो मेरे आगे मेरी फ्रेंड थी, उसके बाद मैंने आज्ञा गुरुजी से ली। तो गुरुजी मेरे को कहते हैं, तेरी सहेली जो कुछ अपने मन में लेके आई थी ना, मैं उधर पूरा कर देता। अब शंकर जी, मुझे नहीं पता कि वो क्या अपने मन में लेके गई। तो मैंने कहा हाँ जी गुरु जी, बस मैंने इतना ही बोला, मैंने कुछ भी नहीं गुरु जी को बोला, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था। और गुरु जी ने ये कहा कि वो जो कुछ अपने मन में लेके आई थी ना, मैं उधर पूरा कर देता। तो ठीक है, अब हम लोग घर आ गए, वो अपने घर चले गए, हम अपने घर चले गए। सुबह उसका फोन आया मुझे, तो आंटी मुझे कहने लगी कि ऐसे ऐसे शब्दम, मैं तो गुरुजी के यहाँ जब गई थी तो मेरे दिमाग में ये था कि मेरे अंकल ना बाहर चले जाएं। एक्चुअली अंकल होटल लाइन में थे, ओबराय होटल में वो जॉब करते थे, तो कि बाहर चले जाएं अंकल। तो देखो ऐसा गुरुजी ने वो करा है कि कनाडा में मेरी ही सिस्टर इन लॉ ने पूरा होटल खरीद लिया है और अंकल को होल सोल वहीं पर बना दिया है पूरा। अब अंकल तो कनाडा जा रहे। तो कहते ये मैं अपने मन में लेके गई थी और गुरुजी ने वो मेरा पूरा किया। अब शंकर जी, मुझे कुछ भी नहीं पता, एंड गुरुजी नोज एवरीथिंग, उनको तो सब कुछ पता है और गुरुजी ही मुझे बता रहे हैं कि मैंने उसका वो पूरा कर दिया। तो ऐसे ही हम किसी एक और कपल को लेके गए साथ में गुरुजी के। तो उस दिन ये फ्रेंड भी थी, तो वो उनकी भी जान पहचान के हैं, तो गुरुजी ने उनको भी बहुत ब्लेस किया। तो मेरी जो फ्रेंड है उन दिनों में अपनी बेटी के लिए रिश्ते ढूंढ रही थी और बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी कि जो है कि रिश्ते नहीं अच्छे मिलते, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, तो परेशान बहुत रहती थी। तो उसने गुरुजी ने उस कपल को भी बहुत ब्लेस किया। तो मेरी फ्रेंड ने कहा गुरुजी थोड़ी सी ब्लेसिंग हमको भी दे दो।
तो गुरु जी कहते कि तू ना टेवे बहुत मिलानी है, असी टेवियां विच विश्वास नहीं रखते। तो गुरु महाराज को देखो, उसने कुछ नहीं कहा कि मैं बेटी के लिए बहुत परेशान हूँ या मैं उसके लिए रिश्ते देख रही हूँ, सिर्फ ये कहा कि गुरु जी थोड़ी जी ब्लेसिंग सानू भी दे। ते गुरु जी कहते कि तू टेवे बहुत मिलानी है, असी टेवियां विच विश्वास नहीं रखते, और वो बहुत टेवे मिलाती है ये मुझे पता है, और वो खुद भी पंडित है, वशिष्ठ है, तो उसको तो वैसे ही इन सब चीजों की बहुत नॉलेज है, वो खुद ही कंप्यूटर से खोल के मिला लेती है, और यही कहती थी कि बिना टेवे मिलाए तो मैं जो हूँ करूंगी नहीं। और देखो गुरु जी हर चीज जानते हैं, हर चीज जानते हैं, और गुरु जी ने उसको बता दिया कि तुझे टेवे नहीं मिलाने, लेकिन हर इंसान की अपनी बुद्धि है, वो कहती थी मैं तो फिर भी मिला के ही करूंगी जैसी जिसकी इच्छा। तो ऐसे उसकी फिर बाद में बेटी का रिश्ता हुआ, और बहुत ही अच्छी जगह उसकी बेटी का रिश्ता हुआ। एक बार वो लोग मंदिर गए तो गुरु जी ने वो उनके हस्बैंड को किसी और नाम से बुलाया और कहा कि आज से आपकी किस्मत बदल गई। और वही हुआ संगत जी, वो एक बेटी के लिए रिश्ता देख रही थी, लंदन से लड़का आया था, लेकिन लड़की ने लड़का रिजेक्ट कर दिया, और वो मेरी फ्रेंड बहुत परेशान रहती थी कि इतना अच्छा रिश्ता है और जरा सी लुक के पीछे ये मान नहीं रही बात को, और वो लड़का वापस लंदन चला गया। लेकिन जब गुरुजी ने उनको बोला किसी दूसरे नाम से बुला के कि अस्तवाड़ी किस्मत पलट गई, तो वो थर्सडे का दिन था और नेक्स्ट थर्सडे उसकी बेटी की एंगेजमेंट हो रही। अब आप देख उसी लड़के के साथ वो लंदन से वापस आया, और गुरुजी ने ऐसे लड़की का दिमाग चेंज किया, उसने उसको एक्सेप्ट किया लड़के को, और उन दोनों की शादी हुई। अब दोनों लंदन में हैं, उसका उनका बेटा बेटी दोनों हैं, बहुत हैप्पी है। तो ये गुरु महाराज की ब्लेसिंग है कि कैसे लोगों के काम को गुरुजी बनाते हैं, कितनी कृपा करते हैं। लेकिन संगत जी एक चीज यहाँ पर ये भी है कि मैं देखती हूँ कि गुरु जी प्योर सोल ढूंढते हैं, प्योर सोल। आपके अंदर दिखावा नहीं है, आप अच्छे इंसान हैं, तो आपकी ब्लेसिंग्स गुरु जी को बहुत मिलती है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको बहुत मिलती है। मैं उस लेडी को देखती हूँ, वेरी नाइस लेडी, हर किसी की हेल्प करने को तैयार होती हैं, और बहुत ब्लेसिंग्स गुरु जी ने उसको दी, बहुत ब्लेसिंग्स दी है। मैं उसकी सारी चीज मुझे पता होती है कि कितनी गुरु जी ने उनको ब्लेसिंग्स दी हुई। तो एक हम लोगों में ये भी एक चीज है कि अगर हम सच्चे मन से, सच्चे दिल से गुरु जी को माने और अपने कर्म अच्छे रखें, तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स में कोई कमी नहीं। गुरु महाराज तो सदाशिव है, वो तो हर किसी के ऊपर अपनी ब्लेसिंग करते हैं, लेकिन कई बार हम लोगों के अपने ही, जिसे कहते हैं बर्तन इतना गंदा होता है कि उसकी सफाई करने में भी गुरु जी को टाइम लगता है। सत्संग बहुत है, बहुत गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं। ऐसे ही एक मेरे बड़े बेटे का फ्रेंड है, ये दोनों बच्चे एक ही कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई करी, और हेलो हेलो जी आंटी, अंकल आवाज आ रही है? जी आंटी बिल्कुल क्लियर है। एक ही कॉलेज से इन दोनों बच्चों ने पढ़ाई करी, मेरे बेटे ने और उसके फ्रेंड ने। इन दोनों की जॉब लगी इंफोसिस में, और इंफोसिस में मैसूर में ट्रेनिंग होती है, तो इन दोनों बच्चों को ट्रेनिंग के लिए जाना था, और चांस की बात है कि इन दोनों को रूम भी सेम मिला। और लेकिन वो बच्चे को कुछ तकलीफ थी, वो यहीं से बीमार था। जब हम लोग अपने बेटे की शॉपिंग वगैरह खत्म करके आए, नेक्स्ट डे उसकी फ्लाइट थी, तो मेरे घर में इतनी ज्यादा गुरु जी की फ्रेग्रेंस थी, बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस थी। और जैसे हम लोगों की बुद्धि तो यहीं तक होती है कि बेटा जा रहा है, गुरु जी इसको ब्लेस करें, इसके आगे तो हम, मेरी सोच ही नहीं थी। और
जो है कि मैं इतनी ज्यादा ब्लेसिंग थी कि मैं टोकरी मार के गुरु जी का मंत्र जाप करने लगी। और नेक्स्ट डे इसकी फ्लाइट थी, जब इसकी फाइनल पैकिंग होने लगी तो संगत जी मैंने अपने मंदिर से गुरु जी की एक स्वरूप निकाल के उसको दिया कि तुम इसको ले जाओ, इसको अपने रूम में रखना। तो मैं बहुत हैरान हुई देख के कि गुरु जी के चरणों के बिल्कुल पास में पूरे अमृत से शिव जी बने हुए, पूरा शिव जी का आकार और गुरु जी के साइड में। मैंने उसको स्वरूप दिया और उस बच्चे ने वहां रूम में लगाया जाके, और दोनों बच्चे साथ रहने लगे और इनकी ट्रेनिंग शुरू हुई वहां पर। तो मेरा बेटा मुझे कहता रहता था, मम्मी इसकी ना तबीयत ठीक नहीं रहती, इसको बहुत पेन होता है, इसको बहुत पेन होता है, इसके किडनी में स्टोन है, ये बहुत परेशान रहता है, ना ये खुद पढ़ पाता है ना मुझे पढ़ने देता है। तो उसने भी यही कहा कि देखो अमित, ये गुरु जी का स्वरूप है, अगर तुम इनमें विश्वास रखते हो तो ये तुम्हें बिल्कुल ठीक कर देंगे, तुम चिंता मत करना। और मेरे को भी कहता था कि मम्मी आप भी उसके लिए प्रेयर करो कि वो ठीक हो जाए, उसकी ट्रेनिंग हो और वो उसको जॉब मिले उसको। तो इस तरीके से चलता रहा, लेकिन वो बच्चा ठीक नहीं हुआ। फिर ये डिसाइड किया गया कि इसका ऑपरेशन होना। उसके पेरेंट्स भी गए वहां पर, और ऑपरेशन से पहले नेचुरल है कि सारे उसके टेस्ट वगैरह सब कुछ हुए। और जब सब टेस्ट वगैरह हुए तो वो बहुत डॉक्टर्स हैरान हुए, इसका तो कुछ है ही नहीं, इसके इसमें कोई स्टोन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आप लोग क्यों इतने परेशान होके आए हो, क्या बात। तो ये गुरु महाराज की मेहर है कि जिस बच्चे ने कभी गुरु जी को देखा नहीं, जिसने कभी मंदिर को नहीं देखा, जिसने कभी गुरु जी के बारे में जिसको कुछ पता नहीं, पर कैसे गुरु जी ने उस बच्चे को प्रेरित किया और उसने अपनी ट्रेनिंग पूरी करी और उसको बहुत अच्छी जॉब मिली। वो बेंगलोर चला गया और मेरा बेटा पुणे आ गया और बिल्कुल वो बच्चा ठीक हो गया। तो मैं अपने बेटे को कहती थी कि उसको कहो कि गुरु जी ने उस पर ब्लेसिंग करी है तो वो आके मंदिर में दर्शन करे, लेकिन वो बच्चा नहीं आया। फिर 4-5 साल बाद उसका मुझे फोन आया एक दिन, आंटी मैं मंदिर आना चाहता हूँ। मैंने कहा आ जाओ बेटे, तो आप मुझे कहाँ मिलोगे। मैंने कहा आप हमारे घर ही आओ, फिर साथ में आपको मंदिर लेके चलूंगी। तो संगत जी हम उसको मंदिर लेके जा रहे थे तो मैं उसको रास्ते में पूछा, मैंने कहा अमित अब आपकी तबीयत ठीक है। कहने लगा हाँ आंटी, जो वो किडनी उस समय खराब थी वो तो बिल्कुल ठीक है, अब मुझे दूसरी किडनी में प्रॉब्लम। तो मैंने कहा फिर आप कभी आप आए हो गुरु जी के दर्शन करने। तो कहने लगा मुझे गुरु जी के दर्शन करने हैं, अब तो मेरी पूरी फैमिली भी गुरु जी के साथ जुड़ रही है। तो उसने मंदिर में गुरु जी के दर्शन करे। अभी थोड़े दिन पहले ही मेरी उस बच्चे से बात हुई है, नाउ ही इज इन ऑस्ट्रेलिया और बिल्कुल ठीक है, हेल एंड हार्टी है, उसके पूरी दोनों किडनी उसकी ठीक है, अब वो गुरु जी को मानता है। मुझे कह रहा था कि आंटी आज मैं मंदिर जा रहा हूँ। तो गुरु महाराज देखिए कैसे कृपा करते, कितनी दूर बैठा हुआ बच्चा जिसके पास, जिसने कभी गुरु जी को देखा भी नहीं था, गुरु जी ने उस पर इतनी ब्लेसिंग करी उस बच्चे के ऊपर, और कैसे अपना विश्वास बनाया कि उसकी गुरु जी को बहुत मानने लगा। तो इस तरीके से गुरु जी बहुत कृपा करते हैं, बहुत कृपा करते हैं। गुरु जी के तो बारे में क्या बताऊं, इतने एक्सपीरियंसेस गुरु जी ने दिए हैं, इतनी ज्यादा ब्लेसिंग करी है गुरु जी ने। मैंने एक एक्सपीरियंस गुरु जी में और अनुभव पर आया, जिसकी संगत कहती थी कि गुरु जी का नेचर पर कंट्रोल है, एक खुद से एक्सपीरियंस किया कि कैसे गुरु जी सारी सृष्टि के मालिक हैं। फंक्शन से पहले जैसे अभी भी सेवा के लिए मंदिर खुलता है, उस समय गुरु जी के टाइम में भी ऐसे ही होता था। तो मुझे आज भी याद है कि बैसाखी का फंक्शन आने वाला था, हमने जयपुर जाना था, तो उससे एक दिन पहले हम लोग मंदिर गए, मैं और मेरे अंकल, कि आज हम थोड़ी सी मंदिर में सेवा करके कल हम जयपुर के लिए निकलेंगे। तो अभी संगत जी जैसे ही अंदर घुसे, शिव जी की मूर्ति के आगे मैंने माथा टेका, तो उस समय एक मंदिर में अनीश अंकल हुआ करते थे, सेवादार हुआ करते थे गुरु जी के। तो
उन्होंने आते ही कहा कि आंटी गुरुजी का फोन आया है, आपको ना कल सुबह सुबह सेवा में। तो अब उनके बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी का फोन आया है और मंदिर में सुबह सेवा के लिए आना है। तो हमारा प्रोग्राम तो कैंसिल ही हो गया कि हमने जयपुर नहीं जाना, हमने सुबह मंदिर जाना। अब देखिए गुरुजी कैसे परीक्षा भी लेते हैं। अब रात को मेरे अंकल को फीवर चढ़ गया और लूज मोशन स्टार्ट हो गए। अब सुबह सुबह पहुंचना है तो मैं जाऊं कैसे? उस समय ना मेट्रो थी और मंदिर का रास्ता भी उस समय बहुत दूर लगता था। आजकल तो बहुत फैसिलिटीज हैं, उस समय ऐसे नहीं होता था। तो मैं बहुत परेशान, मैंने 4:30-5 बजे ही एक आंटी को फोन कर दिया कि ऐसे ऐसे मुझे मंदिर जाना है, आंटी आप मेरे साथ चलो या हम कैसे चलें, कैसे प्रोग्राम बनाएं। वो आंटी तो इतनी खुश हुई कि तो पूछो मत। वो कहने लगी कि कल रात को एम्पायर स्टेट में भी गुरु जी ने बहुत संगत को बुला है कि सुबह सुबह मंदिर जाओ और सेवा करो। तो कहती मैं तो यही सोच रही थी कि गुरु जी आपने हमें नहीं बोला, देखो अब तो आपका फोन आ गया और आपको ले जाने के बहाने मैं चलूंगी, मेरी बेटी छुट्टी करेगी और हम गाड़ी से ही चलेंगे और बस आप फटाफट तैयार हो और हम लोगों ने मंदिर पहुंचना है। तो ऐसे हम लोगों ने मंदिर पहुंचे और संगत जी उस दिन रात को 3:30 बजे दिल्ली में इतना तूफान आया था, इतनी बारिश, इतनी पेड़ गिरे हुए, इतनी मिट्टी कि पूरा मंदिर जो है ना वो मिट्टी 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 और पत्तों से भरा पड़ा। देखिए गुरु जी को ये सब पता था कि ये सब होना है। एम्पायर स्टेट में भी उन्होंने संगत को बोला कि आप सुबह जाके उस संगत को बोला कि सेवा करो। और मुझे ऐसे मैसेज मिल गया कि मैं कि मंदिर खुला था, इससे हम लोग गए और कैसे गुरु जी ने एक्सपीरियंस सिखाया कि कैसे उनके नेचर पे उनका कंट्रोल है, कि पहले से ही उनको पता था कि ये सब कुछ होना है, आंधी तूफान आना है। और जिस जिस से गुरु महाराज ने सेवा लेनी थी उससे उन्होंने सेवा ली। सेवा देने वाले भी वही, सेवा करवाने वाले भी वही, वही सब कुछ है। आप अपनी उससे एक पत्ता भी मंदिर में नहीं खिला सकते, कुछ नहीं आप कर सकते। अगर उन्होंने आपसे करवाना है तो वो ही करवाएंगे। ऐसे ही गुरु महाराज ने चोला छोड़ने के बाद गुरु महाराज की कृपा से सैटरडे और वेडनेसडे की सेवा मिली, वो भी उन्होंने ही दी। और जब तक उन्होंने करवानी है तब तक आपसे करवानी। उसके बाद बस्तर होना शुरू हो गया तो देखिए कहाँ सेवा है, अब कुछ भी नहीं है। जब तक गुरु महाराज ने करवाना था उन्होंने करवाया। एंड वंडरफुल एक्सपीरियंस, वंडरफुल एक्सपीरियंस। मैं तो वर्ड्स भी नहीं उसके बता सकती कि गुरु जी ने कितनी सेवा में इतना आनंद डालते थे, इतना आनंद डालते थे। वेडनेसडे गुरु जी महाराज की कृपा से किचन सेवा की सफाई मिली हुई थी, तो ऐसे लगता था कि हम पिकनिक करने जा रहे हैं। ये तो वेडनेसडे इतना अच्छा लगता था कि ये कब आएगा और कब मंदिर जाना है। तो ये भी गुरु महाराज की कृपा से ही है। और वो कितना आनंद डालते हैं, देते भी वही हैं, करवाते भी वही हैं, सब कुछ वही करने करवाते। इसलिए सेवा तो बहुत ही निवे होके करनी चाहिए कि आज है मैं कल कौन है कुछ नहीं पता। जब तक आपके उसमें है आप नीवे होके सेवा कीजिए गुरु महाराज की, इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई है ही नहीं। संगत जी अब गुरु महाराज के होते हुए बहुत सत्संग, बहुत ब्लेसिंग्स गुरु जी की। अब मैं एक दो तो सत्संग गुरु जी के चोला छोड़ने के बाद बताती हूँ। गुरु महाराज ने चोला छोड़ा और बहुत ही संगत परेशान, बहुत संगत रोती थी, गुरु जी आप कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। इनसे मेरा बड़ा बेटा भी है, वो भी बहुत परेशान होता था कि मम्मी गुरु जी चले गए अब क्या होगा, मम्मी गुरु जी चले गए अब क्या होगा। तो ऐसे ही हम लोग एक दिन शायद मंदिर से ही आ रहे थे तो रास्ते में कहीं हम लोग रुके तो फिर रेस्टोरेंट में तो ये वहां पे भी रोने लगा। तो मैंने कहा कि क्या हुआ बेटे, आप वैसे हो रहे हो इतने परेशान? तो कहने लगा कि मम्मी गुरुजी चले गए अब कैसे होगा,
अभी गुरु जी को 16 छोड़े हुए मेरे ख्याल थोड़ा ही टाइम हुआ था, शायद 8-10 दिन ही हुए थे। तो हम लोग मंदिर जाते थे तो मैं भी थोड़ा सा वो हो गई कि ये तो बहुत ज्यादा फील कर रहा है, कैसे होगा इसका, इसने बहुत दिमाग में लगाई हुई ये चीज। तो लेकिन आप गुरु महाराज की मेहर देखिए, गुरु जी उसके ड्रीम में आए। एक्चुअली जो गुरु जी का ये ड्रीम नहीं होता, गुरु जी साक्षात ही आते। तो उसको गुरु जी ने दिखाया कि सफेद कुर्ते पजामे में गुरु जी हैं और पीछे एक बहुत बड़ी लाइट है, बहुत बड़ी लाइट है। और गुरु जी धीरे 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 मेडिटेशन में बैठते हैं और धीरे 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 उस लाइट में जाते हैं। और उसको ये मैसेज देते हैं कि मैं लाइट में से आया था, मैं लाइट में ही वापस गया हूँ और लाइट कभी खत्म नहीं होती। संगत जी उसके बाद ही लाइट ऑफ डिविनिटी बुक आई, उसके बाद ही ये रघुराय अंकल की बुक आई जिसमें लास्ट पेज पे यही दिखाया गया है कि गुरु जी लाइट में जा। तो गुरु जी हमारे लाइट है, लाइट सबसे ऊपर, सबसे ऊंचे गुरु महाराज का, और सबके साथ हैं गुरु जी। बहुत संगत में लोगों को गुरु जी ने यही समझाया कि मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, मैं कहीं नहीं गया। अब यही मेरा बेटा है, इसको कभी मैं कुछ कहती हूँ कि चलो ये चीज ब्लेस करवाते हैं, मंदिर चलते हैं, तो कहता है मम्मी गुरु जी तो हमारे अंदर ही बैठे हैं, आप उनको अंदर ही हूँ। तो ये गुरु जी बच्चों को समझाते भी हैं और दिखाते भी हैं कि मैं सबके साथ, और इनकी कृपा हमेशा बच्चों के ऊपर बनी रहे, तभी बच्चे गुरु जी के बहुत ही गुरु जी को प्यारे हैं। ऐसे ही मंडे के दिन मैं गुरु जी के चूल्हा छोड़ने के बाद ही गुरु जी की कृपा से हम जाते थे, मंदिर जाते थे, तो कैसे ना कैसे प्रोग्राम बन ही जाता था। कई बार ऐसे होता था कि मैं और अंकल अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाते थे। हम लोग दिल्ली से निकलते थे अपने घर से कि 6:30 बजे निकलते थे, 7:30-7:30 हम लोग मंदिर पहुँच जाते थे, क्योंकि अंकल ने ऑफिस भी जाना होता था। तो कई बार तो गुरु महाराज की मेरे से इतनी कृपा होती थी कि हम लोग नॉक करते थे, मतलब डोर को और मालिक आका वगैरह खोलते थे आके, और जो है कि मैं गुरु जी की कुटिया की तरफ चली जाती थी, वहाँ थोड़ी सी सेवा करी। और मेरे अंकल छोटी पेंट्री होती थी, उसमें चाय प्रसाद बनाने चले जाते थे और चाय प्रसाद बना के कॉफी स्टैंड पे रख देते थे। कई बार हम लोग ये एक्सपीरियंस भी करते थे, और इतना सुंदर सुबह के टाइम मंदिर लगता था, पीसफुल पीसफुल पायस। और फिर एक दो संगत आनी शुरू होती थी, मैं कॉफी स्टैंड से ही चाय प्रसाद लिया। ऐसे ही एक दिन हम लोग गए तो अपने नॉक किया, मालिका का ने खोला, और उस दिन तो गुरुजी ने इतनी कृपा कर दी कि मेरे अंकल के हाथ में ही मालिका का ने चाबियां दे दी कि अंकल आप आज हॉल भी खोल जा। तो अंकल ने हॉल खोला, तो मैं एज यूजुअल पीछे चली गई इधर कुटिया की तरफ, और अंकल हॉल खोला तो अंकल के पीछे एक लेडी आई जो जैसे होती है मजदूरनी टाइप लेडीज थी, वो गुरुजी के मंदिर में आई और बहुत ही बेचारी परेशान हो रही थी देख के कि मैं कहाँ आ गई इतनी सुंदर जगह। उसने गई पीछे पीछे अंकल की, चली गई हॉल में गई, और उसने 5 रुपए का सिक्का और थोड़ा सा इलायची दाने का प्रसाद वो अपने साथ लाई थी। उसने हॉल के अंदर ब्रासो की मूर्ति शिवजी महाराज के आगे रखा, तो मेरे अंकल ने उसको खोला कि आंटी यहाँ कुछ नहीं चढ़ाते, आप इसको उठा लो। तो कहने लगी अच्छा मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ। ये चारों तरफ इनकी फोटो लगी हुई है, ये बाबा जी कौन है? अंकल ने कहा कि ये बाबा जी गुरु जी हैं, उन्होंने ही ये मंदिर बनवाया है, उन्हीं की ही कृपा है इस मंदिर में। तो कहने लगी अच्छा, ये तो 4-5 दिन से रोज मेरे सपने में आ जाते हैं, और मुझे तो इन्होंने पूरा मंदिर का रास्ता दिखाया है और मुझे पूरा बताया है कि तू इस मंदिर में आ, इसी मैं तो तब आई हूँ।
देख के आप गुरु जी की कृपा देखिए। जैसे कि कई बार हम लोगों के मन में ये क्वेश्चन उठता है, एम्पायर स्टेट में हम देखते थे कि गुरु जी के पास काफी ब्यूरो के काफी पॉलिटिशियन बड़े बड़े लोग बैठे होते थे, तो कई बार मन में ये क्वेश्चन आ जाता था। लेकिन आप गुरु जी की मेहर देखिए कि गुरु जी कैसे आपको एक्सपीरियंस कराते हैं और कैसे खुद से समझाते हैं। यही सत्संग है कि आप खुद से समझ रहे हैं, गुरु जी आपको समझा रहे हैं कि मैं सबके साथ हूँ, और जो दीवार के सबसे पीछे बैठा है सबसे ज्यादा तो मैं के साथ। तो कैसे देखो उस लेडी को गुरु जी ने मंदिर में बुलाया, उसका क्या कल्याण गुरु जी ने करना है, ये तो गुरु जी ही जानते हैं। हम तो इस चीज को जान ही नहीं सकते, क्योंकि तो गुरु जी बोले अब कहते भी थे कि दीवार के उस तरफ का तो तुम देख ही नहीं सकते। तो गुरु जी तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और हर किसी के साथ, हर किसी। आप अगर मंदिर को नहीं भी जानते, नहीं भी गुरु जी को जानते, गुरु जी ने अगर आपको दर्शन देने हैं तो खींच के भी बुलाए, आपका कल्याण करना है तो वो खींच के भी खुद बुला। तो देखिए उस लेडी को बुलाया गुरु जी ने, और उसका क्या कल्याण है वो गुरु जी ने उसका किया। ऐसे मेरी दिल्ली में भी एक भेंट थी, उसका भी बहुत ही सुंदर सत्संग है, गुरु जी ने उसके ऊपर भी बहुत कृपा कर। जब तक गुरु जी थे तो उसको इतना नहीं समझ में आता था, और इनफैक्ट हम इतना बताते भी नहीं थे, कोई बात भी नहीं होती थी। तो लेकिन जब गुरु जी ने छोला छोड़ा और 2008 में गुड़गांव में सत्संग हुआ, और उसमें जो वो वीडियोस आई तो वो हम लोग टीवी पे देखते थे, तो वो भी काम करते करते सुनती, तो ऑल ऑफ सडन उसको इतना ज्यादा गुरु जी से प्यार हो गया, वो शुरू हो गई कहना कि दीदी मुझे भी मंदिर जाना है, मुझे भी आप मंदिर लेके चलो, मुझे भी मंदिर जाना है। हमने कहा ठीक है, गुरु जी बुला रहे हैं तो जरूर लेके चलेंगे। तो गुरु जी की कृपा से मंदिर चलती थी। अब एक दिन वो मुझे कहने लगी कि दीदी मुझे तो गुरु जी का स्वरूप चाहिए, मुझे तो गुरु जी का स्वरूप दे दो, मैं तो अपने घर में लगाऊंगी। संगत जी मैं थोड़ी सी इस चीज में वो हो गई कि मैं पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो मैंने उसको बोला कि देखो रानी, ये तो गुरु जी का स्वरूप है, इसको बहुत ही अच्छे से रखना होता है, पहले तो तुम ये बताओ कि घर में कहाँ रखोगे। तो फिर कहने लगे नहीं दीदी आप इस चीज की चिंता मत करो, मैं बिल्कुल एक रूम के ऊपर, मेरे ऊपर वो लगा हुआ है, मैं उस पर कपड़ा बिछा के अच्छे से रखूंगी और रोज सफाई करूंगी, रोज सब कुछ करूंगी, आप मुझे प्लीज दे दो प्लीज। तो गंगा जी मुझे भी हुआ कि शायद गुरु जी महाराज का ही हुक्म है, और मैंने उसको दिया, उसने अपने घर में रखा, और गुरु जी की बहुत मेहर उसके ऊपर हुई। वो उस टाइम पे वो प्रेजेंट थी और उसका आई थिंक 5 या 6 मंथ चल रहा था, उससे पहले वो स्वरूप ले जा चुकी थी गुरु जी का। उसके घर में काफी प्रॉब्लम्स चल रही थी, उसके हस्बैंड के साथ उसकी बहुत ज्यादा रिलेशन खराब हो रहे थे। वो मुझे बताती रहती थी कि आंटी मेरे हस्बैंड का किसी लेडी के साथ चक्कर चल रहा है, मैं बहुत परेशान रहती हूँ, वो रिक्शा चलाता है और जितनी भी कमाई करता है सब उसको दे देता है, और मैं बहुत परेशान हूँ आंटी दीदी। तो मैं उसको यही कहती थी कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक होगा, गुरु जी पे तो विश्वास करती है, गुरु जी सब ठीक कर देंगे। ऐसे थोड़े दिन चलता रहा, तो 4-5 दिन हो गए, मैं वो देखती थी कि मुझे आज ही याद है कि वो जून का महीना था, और वो आके ब्रेकफास्ट करती थी, 4-5 दिन से वो कुछ खाई नहीं रही थी। तो मैंने उसको कहा कि रानी क्या हो गया, तो गर्मी में आती है और प्रेग्नेंट है तो कुछ खा पी नहीं रही, क्या बात है। तो नहीं दीदी मेरा मन नहीं करता, नहीं दीदी मेरा मन नहीं करता, बस ऐसे वो करती रहती थी। तो चलो जैसे भी था चल रहा था, फिर थोड़े दिन बाद वो बहुत खुश आई मेरे पास, तो कहती है दीदी देखो गुरुजी ने सब ठीक कर दिया। मैंने कहा क्या हुआ,
फिर उसने मुझे बताया कि आप मुझे कहते थे कि तो कुछ खाती नहीं है, कुछ खाती नहीं है, तो मैं बहुत ज्यादा परेशान थी दीदी। मैंने 5-6 दिन मैंने बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया। मेरे अपने हस्बैंड से बहुत लड़ाई चल रही थी। तो एक दिन रात को गुरुजी मेरे ड्रीम में आए और मुझे कहते हैं कि उठ। कहते रात के 2:30 बजे थे, मैंने उठ के टाइम भी देखा, कहते उठ सबसे पहला कुछ खा ले, नहीं तो सवेरे अस्पताल पहुंच जाएंगी, मैं तेरा सब कुछ ठीक कराऊंगा, तो कोई चिंता ना कर। कहती है ऐसे गुरुजी मेरे ड्रीम में आए और मैंने 2:30 बजे उठ के खाना खाया। और कहती है कि बस देखो उसके बाद से मेरे हस्बैंड का उसके साथ चक्कर टूट गया, सब चीज मेरे घर में लड़ाई बिल्कुल खत्म हो गई। ऐसे गुरुजी ने मुझे बताया दीदी, नहीं तो मैं तो सुबह अस्पताल ही पहुंच जाती। कि जून का महीना, 5-6 दिन से मैं कुछ खा नहीं रही और मैं प्रेग्नेंट। अब इसको ये लगे कि मेरे बेबी को ना कुछ हो गया हो, कि मैंने इतनी लापरवाही करी है। लेकिन संगत जी इतना बढ़िया गुरु महाराज ने बेटा उसको ब्लेस करके दिया, उसका सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है वो। तो ऐसे गुरु जी मेहर करते हैं, किस किस पे मेहर नहीं करते। नए एक्सपीरियंसेस गुरु जी ने दिए हैं, इतनी कृपा गुरु जी करते हैं कि हम लोग गुरु जी का वर्णन ही नहीं कर सकते। ऐसे ही गुरु जी के होते हुए मेरे अंकल काफी बीमार हो गए थे, उनके गले में सेप्टिक हो गया था, बहुत ज्यादा हालत खराब थी। लेकिन अंकल को सेवा मिली, फंक्शन था कोई, आई थिंक बैसाखी का ही फंक्शन था। अंकल को मंदिर में सेवा मिली और अंकल गए तो मुझे फोन करके कहने लगे कि मेरे गले से तो इवन एक ड्रॉप पानी भी नहीं निकल रहा, तो मैं क्या करूं। ऐसा नहीं, आप सेवा में तो जाओ, बाकी सतगुरु महाराज देखेंगे, जैसे उन्होंने देखना है आप जाओ सेवा। तो गुरुजी की मेहर से अंकल मंदिर गए और वहां से वो मुझे फोन करने लगे कि मैं मुझे नहीं लगता कि मैं लंगर कर पाऊंगा, यहाँ तो तंदूर की रोटियां हैं और कैसे होगा लंगर मेरा। तो मेरे लिए ऐसे करो, थोड़ा सा तरबूज लेके आना घर से, जो मैं यहाँ खा लूंगा। अब मैं बहुत परेशान हो गई कि मैंने कहा कि गुरु जी के मंदिर में मैं घर से कुछ ले जाऊं तो मुझे तो ये ठीक नहीं लग रहा। मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, अंकल की डांट ही सुननी पड़ेगी ना, मैं कुछ नहीं लेके गई। तो वहां जब रात को 12:30-1 बज गया और संगत चली गई सारी, तो सेवादारों ने जब लंगर किया, तो आप शंकर जी विश्वास कीजिए, उस दिन अंकल को गुरु जी ने अचार और तंदूरी परांठे खिलाए और वो अंकल ने खाए, गले में सेप्टिक होते हुए भी वो अंकल ने खाया वो प्रसाद गुरु महाराज का खाया। और उसके बाद से उनको क्या सेप्टिक है, उनको क्या तकलीफ है, उनको क्या है, उनको कुछ भी नहीं पता ना। जबकि हमें, हम डॉक्टर के पास हमें दूसरे दिन जाना था, हमने उनसे कहा था कि आपने जो कुछ भी करना है एक दिन बाद करना, क्योंकि ऐसे ऐसे फंक्शन है, हमें तो जाना है फंक्शन में। तो देखिए बस वो प्रसाद खाने से ही गुरु जी का, वो भी अचार और तंदूरी पराठे, कैसे गुरु जी ने उनका सेप्टिक ठीक किया, कैसे उनकी बीमारी दूर करी। ना हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ा, ना कुछ कुछ भी नहीं किया, बस प्रसाद खाने से ही गुरु जी ठीक, गुरु महाराज ने अंकल को ठीक किया। बहुत गुरु जी की ब्लेसिंग है। मैं जब गुरु जी के पास हम जाना शुरू हुए थे तो मेरी लेग्स में बहुत प्रॉब्लम रहती थी और काफी दिक्कत रहती थी। तो एक दिन मैंने गुरु महाराज से कहा था कि गुरु जी मेरे को इतना तो रखना कि मैं आपके दरबार में आके माथा टेक सकूं। और संगत जी मैं बहुत साल तक और ठीक ठाक बिल्कुल गुरु जी के महाराज में दरबार में माथा टेकती रही। लेकिन अभी लास्ट ईयर फिर मैं एक बार स्टेयर्स से वो स्लिप हो गई, लेकिन गुरु जी ने इतनी मेरे पर कृपा करी कि मैं बिल्कुल चलती फिरती हूँ। हाँ लेकिन मैं नीचे बैठ के माथा नहीं टेक सकती। तो लेकिन बहुत साल गुरु जी ने मेरे पर बहुत कृपा करी कि मैं आराम से उनके दरबार में चलना, माथा टेकना, और मैं इवन इतना मेरे को अच्छा लगता था। मैं हमेशा गुरु जी से यही प्रेयर करती थी कि गुरु जी इतनी कृपा करो कि मैं आपके दरबार में चल के आऊँ, मुझे नहीं शटल पे आना, मुझे नहीं गाड़ी में बैठ के आना, ये आपकी कृपा रहेगी हम चल के आएंगे, इसमें आपकी ब्लेसिंग है। तो
बहुत है, क्योंकि तो गुरु जी एम्पायर स्टेट से भी जो चल के आता था, गुरु जी यही बोलते थे कि जो चल के आता है मेरी ब्लेसिंग्स बहुत है। तो हमें हमेशा गुरु जी से यही वो करना चाहिए कि गुरु जी कि आप हमें पैदल चल के बुलाओ अपने दरबार में। तो गुरु जी ये भी कहते थे कि जो इतना चल के कर्म आता है दरबार में, सबसे कर्म काटता। तो हमेशा यही मैं गुरु जी से अभी भी यही अरदास करती हूँ कि गुरु जी मैं आपके दरबार में खुद से चल के आऊं, क्योंकि ये आपकी मेहर है हमारे ऊपर कि हम चले आपके दरबार में, अपने पैरों से चल के आपके दरबार में पहुंचे। तो इस तरीके से गुरु महाराज तो हर समय हर पल अपनी संगत का भला ही करते हैं, कृपा ही करते हैं। गुरु भला ही करता, लेकिन कई बार टाइम इतना ज्यादा मुश्किल होता है, इतना ज्यादा मुश्किल आ जाता है कि पर कोई घबरा जाता है और सोचने पर हम परेशान हो जाता है कि इतना टाइम क्यों हमारे ऊपर खराब आया। लेकिन ये भी हम लोगों की परीक्षा है जो गुरुजी लेते हैं। परीक्षा भी वही देते हैं, पेपर भी वही देते हैं, नंबर भी वही देते हैं, सफल भी वही करते हैं, वही करने वाले। एक विश्वास गुरु के ऊपर रखना बहुत जरूरी है, लेकिन परीक्षा की घड़ी में इंसान का विश्वास डगमगाता भी है। तो गुरु महाराज से यही प्रेयर है कि गुरु जी आप हमारा विश्वास अपने ऊपर से कभी भी कम मत होने। हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है गुरु जी कि अपने ऊपर आप विश्वास बनवाई रखना। गुरु जी आप ही बनवा सकते, हमारे अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, हमारी ये औकात ही नहीं है कि हम आपके दर्शन कर सकते। ये भी आपने ही कृपा करी है, ये भी कृपा करना, हमारे अंदर कुछ ऐसा नहीं है कि हम आप सरेंडर कर सकें, हम आप पे विश्वास कर सकें। वो भी आप ही कराओ, आप ही कृपा करना कि आपके ऊपर विश्वास हमारा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जाए, बढ़ता ही चला जाए, कभी कम मत होने देना गुरु जी। संगे जी बस इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं संगत से आज्ञा लूंगी, गुरु जी से आज्ञा लूंगी। जय।